प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में अशुद्धियों को ठीक करवाने को लेकर जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन तमाम लोगों को ऐसी परेशानियों और समस्याओं से मुक्ति दिलाने हेतु विधायक सुभाष उदा के प्रयासों से हरियाणा में पहली बार कुरुक्षेत्र शहर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर के अलग अलग मोहल्लों में जाकर नगर परिषद और प्रशासन की तरफ से विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में वार्ड 3 के अंचला चौक पर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में अब तक सैकड़ों लोगों की परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड कटने, आयुष्मान कार्ड बनवाने के साथ साथ प्रॉपर्टी आईडी बनवाने को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा के सचिव राजू सेठी, अमन भार्गव, नगर परिषद के कर्मी, प्रशासनिक कर्मी, सीएससी कर्मी भी मौजूद है। विधायक सुभाष सुधा के अनुसार प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में अशुद्धियों को ठीक करवाने को लेकर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इन समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से ये कार्यक्रम फौजी कॉलोनी, जोगी बस्ती, विवेकानंद कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, पटियाला बैंक कॉलोनी, लालपुर धर्मशाला, दराखेड़ा, न्यू कॉलोनी, गांधीनगर, चक्रवर्ती मोहल्ला में भी आयोजित किए जा चुके हैं। यहाँ विशेष शिविर लगाकर लोगों की ऐसी समस्याओं का समाधान किया गया था। खुद विधायक सुभाष सुधा, साहिल सुधा, उमा सुधा इन शिविरों में मौके पर जाकर अवलोकन भी कर रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी करवा रहे हैं। आज भी अंचला चौक पर सैकड़ों लोगों की ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रहेगा कि जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है और उसका अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो एक घर में भी जाना पड़ा, उस एक घर का भी बनाने की पूरी व्यवस्था कहेंगे। आपका भी नाम कट चुका था, बन चुका है? हमारा राशन कार्ड कट चुका था पर वो बन गया, तो उसके लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद। भी नाम कट चुका था, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मेरा राशन कार्ड से नाम कट चुका था जी, अब दोबारा बन गया पीला राशन कार्ड, इसके लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद करूंगा। नाम कट चुका था राशन कार्ड से, अब जुड़ चुका, क्या कहेंगे? अब हमारा राशन कार्ड पीला बन गया है, मैं विधायक का धन्यवाद करती हूँ जी। मेरा नाम कट गया था, 2 महीने से मुझे राशन नहीं मिल रहा था, मैं बहुत ही परेशान हो रहा था, पर अब मेरा राशन जुड़ चुका है विधायक जी के कारण, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।